गॉश, आज मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ क्योंकि आज जो मेरा सेशन है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आज मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में जा रही हूँ। और वो कहते हैं ना कि ओनली स्काई इज़ द लिमिट। जब हमारा जज्बा और हमारे अंदर सेवा की भावना होती है ना, तो भगवान खुद हमें मौके देते हैं, वो ईश्वर खुद मौके देते हैं कि हम जाएं और अपने समाज और देश के लिए सेवा करें। वैसा ही कुछ मैं अपने लिए मानती हूँ कि हमीरपुर के लिए तो मेरी सर्विसेज हैं ही, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर और ख़ासकर ऊना के लिए काम करने का, क्योंकि ऊना में कुछ एक ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक दिक्कतें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं ऊना में। जैसे आप सभी को पता है कि ऊना में ड्रग्स बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के अंदर ये चीज़ आ चुकी है, ड्रग एडिक्शन वाले केसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको पता होगा कि वहाँ पर 37 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे हमीरपुर में सिर्फ 2 हैं, ऊना में 37 हैं। तो वहाँ की स्थिति इसी से ही समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा अगर वहाँ पे रिहैब सेंटर हैं तो कितने सारी दिक्कतें चैलेंजेस वहाँ के यूथ और बच्चों के साथ हैं। तो मेरा बहुत टाइम से ये मन था कि मैं वहाँ जाके काम करूँ और उन बच्चों के लिए मैं काम करूँ। तो आज वो मौका मिला है कि मैं ऊना जा रही हूँ, कलोहा जगह है, वहाँ पहुँच चुके हैं। और अब यहाँ से आधे पौने घंटे की दूरी पे स्कूल है, पोलियाँ परोता, ये स्कूल जगह का नाम है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ पे मैं जाऊँगी और वहाँ पे फिर मेरा सेशन होगा बच्चों के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी हम कलोहा में हैं और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। आज वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, ई संवाद है, तो बहुत अच्छा मौका है एक मेरे लिए भी कि पेरेंट्स से मैं इंटरेक्ट करूँगी और जो भी चैलेंजेस और दिक्कतें हैं बच्चों की और क्या हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सो ये सारी बातें जो हैं, डिस्कशन जो हैं, आज होगी बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। तो उस परमात्मा ने बहुत अच्छा मौका दिया है, उसका भगवान का, ईश्वर का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है कि अब मैं हमीरपुर से बाहर भी ऊना में अपनी सर्विसेज दूँ। और इसके साथ अब काफ़ी सेशंस मेरे आगे भी होंगे और होते रहेंगे ऊना में भी, इस तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी। तो अब हम थोड़ी देर में बच्चों के साथ मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। 10:30-11 बजे के बीच मैं पहुँच जाऊँगी, 11 बजे मेरा सेशन है, 1.5-2 घंटे हमारा सेशन चलेगा क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करने का, बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, जो भी उनके चैलेंजेस हैं। तो अब मिलते हैं स्कूल में।